हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम क्रीमी, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है हंकर्ड, यानी कि दही का चक्का भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने 3/4 कप हंकर्ड लिया है, इसको मैं एक बार अच्छे से फेंट लूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं क्रीमी जैसी हो चुकी है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/3 कप चॉप किए हुए टमाटर। अब इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप चॉप किए हुए अनियंस यानी प्याज। तो इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप चॉप की हुई गाजर। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्ची। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी सैंडविच की जो फिलिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पे लिए मैंने 8 ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे बड़े वाले स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, तो 4 ब्रेड को मैं उनके किनारों को अलग कर दूंगा। तो चक्कू लूंगा और उससे मैं इनके किनारों को कट कर दूंगा। आप चाहे तो इन्हें कट ना कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो इनके किनारों को मैंने कट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब 2 ब्रेड की और मैं किनारे कट कर लूंगा। तो इनको भी मैंने रेडी कर लिया है किनारों को हटाकर, और इन 4 ब्रेड को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, यानी ऐसे ही रहने दूंगा, इनके किनारे को मैं नहीं हटाऊंगा। तो मैं 2 ब्रेड के स्लाइस रखूंगा और इसके ऊपर डालूंगा मैं थोड़ा पिज्जा चीज। आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिज्जा चीज़ को मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगा। अब इसके ऊपर डालूंगा मैं पिज्जा की यानि कि वो सैंडविच की फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार की थी। अब इसको मैं चम्मच से अच्छे से फैला दूंगा चारों तरफ। तो इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा चीज़ डाल दूंगा। तो इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगा ब्रेड के दूसरे स्लाइस से। तो इसको मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इनको अब हम साइड में रख देते हैं। तो हम दूसरे वाले स्लाइस लेंगे ब्रेड के। यहाँ पे मैं चीज़ नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं चीज़ की जगह मेयोनीज़ को यूज़ करूँगा। तो मेयोनीज़ को मैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर फैला दूंगा। इसको मैं चम्मच से अच्छे से स्मूथ कर दूंगा चारों तरफ। तो मेयोनीज़ को मैंने उस पर फैला दिया है। अब बचे हुए 2 स्लाइस पर भी मैं मेयोनीज़ लगाकर उसे फैला दूंगा। अब इसके ऊपर डालूंगा मैं सैंडविच की फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार की थी। तो इसको भी मैं अच्छे से फैला दूंगा इसके ऊपर। अब इसके ऊपर रख दूंगा मैं ब्रेड का 2रा स्लाइस, और इनको भी मैं हाथों से अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे हम सैंडविच को बनाकर तैयार करेंगे, यानी उन्हें सेक कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, आप देख सकते हैं इसकी इस तरह किनारी आती हैं। तो इन पर मैंने लगा दिया घी, आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने गर्म कर लिया, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इस पर हमने रख दिया ब्लेड के स्लाइस। मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह कुकने देंगे। फिर से हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसको हम टर्न कर देंगे यानी इसे पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए।
तो आप देख सकते हैं इस पर एक अच्छी सी डिज़ाइन बन चुकी है। तो आप बिना मशीन भी बहुत ही अच्छे सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सैंडविच हमारे कुकर तैयार हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो इस पर मैं फिर से लगाऊंगा थोड़ा सा घी। तो अब इस पर हम दूसरे स्लाइस भी कुक करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हम नीचे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर मैं लगा दूंगा थोड़ा सा घी ताकि नीचे से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर से। अब इसको हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे कितनी अच्छी डिज़ाइन बन चुकी है। तो इसी तरह हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और इसके ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ थोड़ा सा घी, थोड़ा इसे और टेस्टी बनाने के लिए। तो इसको मैं एक बार फिर से पलट दूंगा। तो दोनों तरफ से हमारे ब्रेड के स्लाइस है अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा प्लेट में। तो अब मैं आपको ब्रेड के स्लाइस को कट करके दिखाता हूँ। तो हमारे ब्रेड हैं वो सैंडविच हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अंदर से बहुत चीज़ी और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम क्रीमी और एकदम चीज़ी। तो दोस्तों दूसरे स्लाइस का भी मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर की फिलिंग कितनी चीज़ी लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।